ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जो कि अपने सभी पेशेंट के साथ घपाघप करके उनको प्रेग्नेंट कर देता है, और वो ये सब कैसे करता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। इस मूवी का नाम है अ डेंजरस मेथड। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। और दोस्तों, अगर आपको ये मूवी हिंदी डब में देखनी है तो कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारी चैनल ज्वाइन करके ये मूवी देख सकते हो। मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ लोगों को सबीना नाम की लड़की को जबरदस्ती कहीं पर लेकर जाते हुए देखते हैं, और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो लोग सबीना के माँ के कहने पर उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। दरअसल सबीना को हाइस्टीरिया नाम की एक बीमारी है, और जिसे भी ये बीमारी होती है वो हंसना और रोना सब कुछ एक साथ करता है, जो कि देखने में काफी अजीब लगता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सबीना का इलाज करने के लिए उसके रूम में आते हैं। वो सबीना को बताते हैं कि मैं तुम पर कोई भी इंजेक्शन या फिर दवाई का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और हम सिर्फ दिन के एक या दो घंटे तुम्हारे पास्ट के बारे में बात किया करेंगे, ताकि पता लगा सके कि तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है। अब डॉक्टर कार्ल सबीना का इलाज करना शुरू करता है, जिस दौरान वह सबीना के पीछे बैठकर उसे सवाल पूछने लगता है, ताकि सबीना उन्हें देखकर जवाब देते वक्त डिस्ट्रैक्ट ना हो। फिर आगे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सबीना की इस हालत के जिम्मेदार उसके फादर हैं, जो उसे और उसके भाई बहनों को बचपन से ही परेशान किया करते थे। इसके बाद हम कार्ल को उसके घर पर एमा के साथ देखते हैं, जो कि उसकी वाइफ थी और वो फिलहाल प्रेग्नेंट भी थी। एमा एक काफी अमीर बिजनेसमैन की बेटी है, जिसके कारण वो काफी अमीर है। आगे कार्ल एमा को सबीना के केस के बारे में बताता है। इसके कुछ दिन के बाद जब कार्ल एमा की कंडीशन चेक कर रहा था, तभी कार्ल को एक और बात पता चलती है कि अगर सबीना की बीमारी का इलाज किया जाए तो वो एक काफी ब्रिलियंट लड़की है। इसलिए अब कार्ल को लगता है कि अगर उसने सबीना को ठीक कर दिया तो सबीना एक दिन बहुत अच्छी फिजिशियन बन सकती है। इसके बाद कार्ल एक बार फिर सबीना को उसके पास्ट के बारे में बताने के लिए कहता है और पूछता है कि तुम्हारे पिता ने पहली बार तुम्हें कब मारा था। इस पर सबीना जवाब देते हुए कहती है कि जब वो 4 साल की थी, तब उसके हाथों गलती से एक प्लेट नीचे गिर के टूट गई थी। तब उसके फादर ने उसे एक छोटे कमरे में ले जाकर उसको पीछे यानी कि पिछवाड़े पे मारा था। इन सब चीजों से सबीना को दर्द हो रहा था, लेकिन साथ ही में उसे इस दर्द से मजा भी आ रहा था। हालांकि ये बुरी चीज थी, लेकिन सबीना को अपने डैड का उसे पिछवाड़े पे मारना काफी पसंद आने लगा था, जिसके बाद जब भी उसके डैड उसे छोटे कमरे में जाने को कहते थे, तब सबीना चुपचाप उसकी बात मान जाती थी, क्योंकि इसमें उसे भी अच्छा लगने लगा था। अब ये पूरी कहानी सुनकर कार्ल समझ जाता है कि सबीना के इसी इंसिडेंट की वजह से वो हाइस्टीरिया बीमारी का शिकार हुई है। अब 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि डॉक्टर कार्ल एमा के साथ डॉक्टर फ्रूड से मिलने के लिए उसके घर पर आया है। जब कार्ल डॉक्टर फ्रूड के साथ बात कर रहा था, तभी हमें पता चलता है कि सबीना की हालत पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा सुधर गई है, और वो कार्ल के रिकमेंडेशन से मेडिकल स्कूल में साइको एनालिसिस की पढ़ाई भी कर रही है, क्योंकि कार्ल का मानना है कि सबीना एक काफी अच्छी साइको एनालिसिस की डॉक्टर बन सकती है। आगे हमें ये भी पता चलता है कि जिस मेथड से डॉक्टर कार्ल ने सबीना का इलाज किया, वो मेथड दरअसल डॉक्टर फ्रूड ने इन्वेंट की थी। पर बहुत साल पहले जब डॉक्टर फ्रूड ने सभी को अपनी इस मेथड के बारे में बताया था, तब दुनिया ने उसकी इस मेथड को नहीं स्वीकारा और सभी लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, और बाकी डॉक्टर का मानना था कि फ्रूड के ये तरीके बहुत खतरनाक है, जिससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। दरअसल मूवी में जो टाइम दिखाया गया है, उस समय में इस बीमारी का इलाज शॉक ट्रीटमेंट से किया जाता था, लेकिन पहली बार कार्ल ने डॉक्टर फ्रूड का तरीका अपनाया और उसने उसके तरीके से सबीना को ठीक भी कर दिया। ये बात जब कार्ल फ्रूड को बताता है, तब फ्रूड काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे कार्ल सबीना से मिलने के लिए जाता है। वो सबीना को बताता है कि उसने आज डॉक्टर फ्रूड से उसके बारे में बात की है और उन्हें बताया है कि वो एक काफी अच्छी साइको एनालिसिस बन सकती है। सबीना को ये जानकर काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसे भी साइको एनालिसिस की पढ़ाई करनी थी। उसके बाद एक दिन डॉक्टर फ्रूड ऑटो नाम के आदमी को कार्ल के पास इलाज के लिए भेजते हैं। दरअसल ऑटो भी एक साइको एनालिसिस का डॉक्टर होता है, लेकिन किसी कारण से वो लड़कियों की ओर एडिक्ट हो गया था, और इसी चीज को छुड़ाने के लिए उसके फादर ने डॉक्टर फ्रूड से बात की थी, जिसके बाद डॉक्टर फ्रूड ने उसे कार्ल के पास भेज दिया, क्योंकि कार्ल ने सबीना को उनकी मदद के जरिए ठीक किया था। आगे ऑटो के साथ बातचीत के दौरान कार्ल को पता चलता है कि ऑटो का अपने कई सारे पेशेंट के साथ अफेयर चल रहा है। दरअसल उसका मानना है कि वो ऐसा करके पेशेंट को ठीक ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत भी दे रहा था। इसके बाद जब अगले दिन कार्ल सबीना से मिलता है, तब सबीना उसे अपने विचारों के बारे में बताती है, और यही पर वो कार्ल को किस भी करती है। हालांकि कार्ल को भी सबीना काफी समय से पसंद थी, इसीलिए वो सबीना को कुछ नहीं कहता। और जब ये बात ऑटो को पता चलती है, तो वो कहता है कि तुम्हें सबीना को फ्रीडम देना होगा और ऐसा करने के लिए तुम्हें उसके साथ घपाघप करना होगा। अब ऑटो की ये बात सुनकर कार्ल को काफी हद तक समझ आ गया था कि उसे आगे क्या करना है, लेकिन कार्ल ये सोचकर परेशान हो रहा था कि ऑटो यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आया था, लेकिन उल्टा उसने उसे ही पट्टी पढ़ा दी। इसके बाद एक दिन ऑटो किसी तरह से हॉस्पिटल से भाग जाता है, और भागने से पहले उसने कार्ल के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी, जिसमें लिखा हुआ था कि वो अपने फादर से तंग आकर भाग रहा है, इसलिए इसमें उसकी कोई गलती नहीं है।
साथ में इसी चिट्ठी में वो कार्ल को सबीना के साथ रिलेशनशिप में आने का सुझाव देता है। अब ये पढ़ने के बाद कार्ल अपने आप को रोक नहीं पाता और सीधा सबीना के घर जाता है, जहां पर वो सबीना के साथ पहली बार घपाघप करता है और यहीं से उन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है। इसके बाद ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। इसी दौरान सबीना कार्ल को कई बार अपने पीछे मारने के लिए कहा करती थी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उसके फादर उसे मारा करते थे, जिससे हम समझ पाते हैं कि सबीना अभी भी उस चीज को पूरी तरह से भुला नहीं पाई है। ये सब करने के दौरान कार्ल डॉक्टर फ्रूट से भी मिला करता था और उन्हें सबीना की रिपोर्ट के बारे में बताता था, लेकिन अभी तक उसने अपने और सबीना के रिश्ते के बारे में डॉक्टर फ्रूट को नहीं बताया था। फिर उन दोनों की बातों से हमें एक और बात पता चलती है कि कार्ल हमेशा से साइकोनालिसिस नहीं करना चाहता था, दरअसल उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में स्टडी करनी थी, लेकिन डॉक्टर फ्रूड उसे साफ साफ मना कर देते हैं और इसी के कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। इसके कुछ दिनों के बाद डॉक्टर फ्रूड कार्ल से मिलने के लिए आते हैं। वो कार्ल से सिटी में फैल रही अफवाहों के बारे में पूछते हैं कि कोई लड़की सभी को लेटर्स भेज रही है कि कार्ल का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये सुनकर कार्ल साफ मना कर देता है और कहता है कि उसका किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा है और ये सब बस अफवाहें हैं। अब ये सुनने के बाद कार्ल डर जाता है कि अगर सच में किसी को उसके और सबीना के रिलेशन के बारे में पता चल गया तो उसकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए वो सबीना से मिलकर उससे ब्रेकअप कर लेता है। अब ब्रेकअप से सबीना को सदमा लगता है और वो फिर से हाइस्टीरिया बीमारी की पेशेंट की तरह बर्ताव करने लगती है। और जब कार्ल घर आता है तब एमा को भी सिटी में चल रही बात के बारे में पता चल गया था, जिसके कारण उन दोनों की बातचीत कुछ दिनों के लिए बंद हो जाती है। इसके अगले दिन सबीना सीधे कार्ल के ऑफिस में आ जाती है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लेटर वाली बात सबीना की माँ को भी पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने कार्ल से इसके बारे में पूछा था, लेकिन कार्ल ने मना कर दिया था कि सबीना अब उसकी पेशेंट नहीं है और वो उसे काफी समय से नहीं मिला है। अब ये सुन सबीना को काफी बुरा लगता है, क्योंकि एक तो कार्ल ने उसे छोड़ा और ऊपर से वो सभी को झूठ बोल रहा है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। अब सबीना को अपनी साइको एनालिसिस की पढ़ाई पूरी करने के लिए किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर फ्रूड को लेटर लिखकर उनसे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है। साथ ही में उस लेटर में अपने और कार्ल के रिलेशनशिप के बारे में भी लिखती है। फिर जब डॉक्टर फ्रूड को इसके बारे में पता चलता है तब वो तुरंत कार्ल को लेटर लिखकर उनसे पूछते हैं कि क्या उसका सबीना के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन कार्ल जवाब देते हुए लेटर में बताता है सबीना बस उसकी पेशेंट थी और इसके आगे उनके बीच कभी भी कुछ नहीं हुआ। अब इस लेटर को पढ़कर डॉक्टर फ्रूड कार्ल पर यकीन कर लेते हैं, इसलिए वो सबीना को लेटर लिखकर उसे बताते हैं कि तुमने अपने और कार्ल के रिलेशनशिप के बारे में झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगा। डॉक्टर फ्रूड के ये लेटर पढ़ने के बाद सबीना को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। फिर वो सीधा कार्ल के पास आती है, जो ये शहर छोड़कर अपनी वाइफ के साथ दूसरी जगह रहने जा रहा था। यहां पर सबीना कार्ल से डॉक्टर फ्रूड को उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो सब सच सच बताने के लिए कहती है, क्योंकि अगर कार्ल ने डॉक्टर फ्रूड को सच्चाई नहीं बताई तो वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे, जिससे सबीना का करियर भी खत्म हो सकता है। अब सबीना के काफी कहने पर कार्ल डॉक्टर फ्रूड को सच्चाई बताते हैं कि सबीना ने उनसे झूठ नहीं बोला था और वो दोनों सच में रिलेशनशिप में थे। फिर जब डॉक्टर फ्रूड वो लेटर पढ़ते हैं तब वो सबीना से माफी मांगते हैं और उसे अपने पास बुला लेते हैं। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और कार्ल डॉक्टर फ्रूड के साथ अमेरिका मीटिंग करने के लिए जाता है। मीटिंग के दौरान कार्ल डॉक्टर फ्रूड का साथ देने के बजाय उनके खिलाफ काफी सारे पॉइंट्स रखता है, जिससे हम साफ साफ समझ पाते हैं कि उन दोनों के बीच काफी दूरियां आ गई हैं। जिसके बाद घर आने पर वो दोनों एक दूसरे को एक आखिरी बार लेटर लिखते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब वो दोनों एक साथ काम नहीं करने वाले। अब ऐसे करके कुछ साल बीत जाते हैं, पर एक दिन सबीना कार्ल के घर पर आती है और जब वो एमा से बात कर रही थी तब उसे पता चलता है कि सबीना ने एक रशियन से शादी कर ली है और वो फिलहाल प्रेग्नेंट भी है। यहाँ पर एमा सबीना को बताती है कि जब से कार्ल ने डॉक्टर फ्रूड को लेटर लिखना बंद किया है तब से वो डिप्रेशन में चला गया है, इसीलिए एमा सबीना को कार्ल से एक बार बात करने के लिए कहती है। आगे जब सबीना कार्ल से बात कर रही थी तभी वो कार्ल को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में उसी का बच्चा है। ये बात सुनकर कार्ल को काफी अच्छा लगता है और वो सबीना को आई लव यू बोलता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रोमांटिक बॉलीवुड मूवी हिंदी डब में देखनी है तो हमारी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना।